वेलकम बैक फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिस इज अ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्कोर 150 प्लस स्कोर इन एनी बैंकिंग एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की बात की जाए तो क्लर्क एज वेल एज पीओ, अगर इसमें आपको 150 का स्कोर करना है तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अपनी पकड़ बनानी जरूरी है। इफ यू हैव ओनली 7 days बिफोर द एग्जाम्स, अगर 7 दिन केवल आपके पास एग्जाम्स के लिए बचे हैं और आपको क्लर्क के एग्जाम्स में कैसे आपको 150 प्लस का स्कोर करना है, सो टुडे आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। बट फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, अगर आपको हमारे कंटेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं देन डू लाइक द वीडियो, फाइन। एंड फ्रेंड, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल, ये वीडियो दोनों भाषाओं में आधारित होगा, मतलब जैसे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं मिक्स तरीके से आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, दैट मींस एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो, फाइन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिसाइड सम स्ट्रेटजीज फॉर यू। फ्रेंड्स, दिस इज बेसिकली अ 7 days प्लान, अगर आपका मेंस का कॉल लेटर आ चुका है और आपके पास केवल 7 days का टाइम बचा हुआ है तो आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, फाइन। सो दिस इज बेसिकली अ 7 days स्टडी प्लान हियर। पॉइंट दैट यू नीड टू फॉलो, कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, प्रॉपर स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू टू स्कोर अलॉट। जो आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपनी खुद की स्ट्रेटजी, वो आपको आगे के एग्जाम्स में कहां तक ले जाएगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटजी। प्रॉपर स्ट्रेटजी में फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी टाइम लिमिट, आपको कितने घंटे स्टडी करनी है, ये सारी प्रॉपर स्ट्रेटजी के ही पार्ट होते हैं। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू स्कोर मोर देन यू नीड टू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज इफ यू आर गिविंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन दैट मीन्स यू आर स्पॉइलिंग योर टाइम। अगर आप किसी एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं दैट मीन्स आप उस टाइम को बेकार कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फाइन। सो प्रॉपर स्ट्रेटजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट, फाइन। थर्ड थिंग इज फ्रेंड्स, सेलेक्टिव क्वेश्चन। सेलेक्टिव क्वेश्चन दैट मीन्स आप किस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने जा रहे हैं। सेलेक्टिव क्वेश्चन दैट मीन्स योर चॉइस, आपके क्वेश्चन को चॉइस, क्या चॉइस है जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं किस बिहाफ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा पिक इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन बनाने हैं, जिन क्वेश्चंस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, यू आर वेरी गुड इन ऑल दोज क्वेश्चंस, दिस इज योर वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, दीज आर कॉल्ड द इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होते, किसी के लिए क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग इजी होती है, किसी के लिए ब्लड रिलेशन इजी होता है, जिसमें जिस बंदे की बहुत अच्छी कमांड है। तो आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन है कि आप कैसे क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं। अगर आप बड़े क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही पिक करेंगे और आप उसमें टाइम दे देंगे तो फिर आपके पास अगर वो सॉल्व हुआ तो वेल एंड गुड, इफ यू unable to solve that question that means you have spoiled your time, that means friends you have to select only those questions in a first phase that you are too good to solve them। agar aap un questions ko solve karne mein bahut acche hain tabhi aap un questions ko attempt kariye। second thing friends, don't revise the entire syllabus at the time of examination। जब आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ जाए दैट मींस बिफोर 7 to 10 days प्रायर, फाइन। सो यू डोंट नीड टू रिवाइज ऑल द एंटायर सिलेबस, आपको सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत स्कोरिंग टॉपिक बता रहा हूं, केवल आप उन टॉपिक्स पे अपनी कमांड बनाइए तब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट आपका बहुत अच्छा है, द पार्ट विच यू आर टू गुड दैट मीन्स यू नीड टू रिवाइज द ओनली पार्ट हियर, जिस पार्ट में आप बहुत अच्छे हैं तो आप केवल उसी पार्ट को रिवाइज करिए, फाइन। एंड फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, फाइन। फोकस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स फ्रॉम द वेरियस सेक्शन, आई विल शो यू अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर, दैट मींस आई हैव कंपाइल्ड अ वेरी क्रूशियल टॉपिक्स, फाइन, एंड यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दैट टॉपिक। केवल आपको उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है, कुछ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालकर रखे हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, द
section here, that is reasoning section. In logical reasoning, you need to select syllogisms first of all, because this is very logical part as well as very scoring part. And friends, if you want to watch the video of syllogism, then please click here. यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और जो भी हमारी सेलोगिज्म के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे. और सेलोगिज्म के क्वेश्चंस को हमने प्लेलिस्ट में भी लगा रखा है. ठीक है, प्लेलिस्ट में आप सर्च करिए, यू कैन फाइंड आउट द सेलोगिज्म क्वेश्चंस. दीज आर अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. फाइन. सेकेंड थिंग इज देयर फ्रेंड, सीटिंग अरेंजमेंट. इफ यू आर टू गुड इन सीटिंग अरेंजमेंट एंड यू हैव प्रैक्टिस अलॉट, अगर आप बहुत अच्छे हैं सीटिंग अरेंजमेंट में और आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, दैट मींस फ्रेंड्स यू कैन गिव योर प्रीशियस टाइम इन सॉल्विंग द सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, बट लेटर, नॉट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन. आप बिल्कुल स्टार्टिंग एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व मत करिए, इसको बाद के लिए रखिए. पहले आप इनइक्वालिटीज को बनाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट को बना लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग को बना लीजिएगा, ओके, और सेलोगिज्म को बना लीजिएगा. उसके बाद में आप ये जो दो सेक्शन है आपके, दीज आर द टू मेन सेक्शंस आर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सॉल्व द सेलोगिज्म, सेकेंड इनइक्वालिटीज, थर्ड इनपुट आउटपुट, फोर्थ कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गिव योर टाइम टू सॉल्विंग द सीटिंग अरेंजमेंट एज वेल एज पजल्स, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल. ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिसमें आप सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद में आपका स्कोर बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. फाइन. तो ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको ये प्रायोरिटी देनी है. ओके, ये सारे सेलोगिज्म्स, इनइक्वालिटीज, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग, ये तीन पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, ये आप मेरी प्लेलिस्ट से निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट सेलोगिज्म्स, इनइक्वालिटीज एज वेल एज कोडिंग डिकोडिंग फ्रॉम माई प्लेलिस्ट. फाइन. नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी द कंप्यूटर सेक्शन. कंप्यूटर सेक्शन देखिए, कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है. तो जो भी आपका कंप्यूटर सेक्शन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फ्रेंड्स. सो इन द कंप्यूटर सेक्शन यू जस्ट नीड टू रीड द रेफरेंसेस. आपको बहुत ज्यादा डीप में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, केवल बेसिक आइडिया अबाउट द टॉपिक, ठीक है. सपोज करिए आपके एग्जाम्स में आता है व्हाट इज टोपोलॉजी, व्हाट इज टोपोलॉजी, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फेनोमेना ऑफ टोपोलॉजी, जस्ट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क. फाइन, दैट इज कॉल्ड द टोपोलॉजी. तो जो लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग होती है किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द टोपोलॉजी. तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमें टोपोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उसका बेसिक आइडिया लेना है. फाइन. So these are the basically computer topics here. So first of all, basics of computer. What is the mean of input, output, processing? These are called the basics. Fine. After that, friends, MS Office questions are really very important. एक question आपके mind में आ रहा होगा कि MS Office कौन से year का पढ़ना है. So friends, standard year is 2003 का MS Office आप पढ़ लीजिएगा, प्लस 2007 का भी अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप इन दोनों ऑफिस को पढ़ सकते हैं. इसके अलावा क्वेश्चंस 3 और 7 के अलावा कहीं से नहीं आते हैं. इन MS Office यू ऑनली नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द कंट्रोल्स ऑफ MS Office 2003 एज वेल एज MS Office 2007. फाइन. After that, friends, generations of computers. We have already made, I think, 13 videos, approx 13 videos in the computer section. You can watch all the videos. These are really very important for the computer section. अभी तक, friends, हमने total 13 से 15 videos बनाई हैं computer की. तो आप हमारी videos देख सकते हैं जिसमें आपको most of topics आपको मिल जाएंगे, ठीक है. तो basics of computer हमने cover किया हुआ है. And we have also discussed the MS Office problems. एज वेल एज कंप्यूटर जनरेशन, नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होता है, और ऑक्टल नंबर क्या होता है, ठीक है. ये सारे नंबर्स आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है. तो ये नंबर्स के बेस क्या होते हैं, क्वेश्चन यहां से आ जाता है. फाइन. हमने कन्वर्जन भी करके दिखाए हुए हैं नंबर सिस्टम में. तो इस टॉपिक को आप ढंग से पढ़ लें. Components of a computer, the basic components of the computer. What is CPU? What is monitor? What is printer? What is keyboard? What is mouse? तो ये सारे components जो computer system के होते हैं, इनके architecture को समझना
प्लस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो भी होती हैं उनको, हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे जो सॉफ्टवेयर कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। डेटाबेस में फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इन द डेटाबेस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज क्यूरी कमांड, ठीक है, जो क्यूरीज होती हैं जैसे डीडीएल कमांड है, डीसीएल है, ठीक है, सेलेक्ट क्या है, और बहुत सारी जो कमांड्स होती हैं उनको आपको पढ़ना है। डेटाबेस कौन कौन से होते हैं, एमएस, कभी कभी पूछा जाता है कि जो फ्रेंड्स एमएस एक्सिस है वो क्या है, डेटाबेस है या नहीं है, तो फ्रेंड्स एमएस एक्सिस जो है माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस होता है, क्वेश्चन यहां से आ जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ओरेकल क्या है, तो ओरेकल भी एक डेटाबेस होता है, एसक्यूएल, ये सारी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको ये बेसिक्स पढ़ने हैं। ईमेल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, प्लस सबसे जरूरी है कि आपको यहां पर लेयर पढ़ना जरूरी है, लेयर क्या होती है, ठीक है, लेयर कितने टाइप्स की होती हैं, ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या है, ओएसआई लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है, अब उस लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके लिए लेयर्स पर एक वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए उपलब्ध कराऊं। फाइन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अ वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर एज वेल एज ऑल द मॉडल्स। फाइन, लास्ट थिंग फ्रेंड्स, दिस थिंग हियर ऑल्सो, फेमस फाउंडर्स हु फाउंडेड सी लैंग्वेज, डेनिस रिची, फाइन, हु फाउंडेड यूनिक्स, लिनक्स, एंड हु फाउंडेड द फर्स्ट कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, फाइन, तो ये सारे क्वेश्चन यहां से बनने की कोशिश है कि जो फेमस फाउंडर्स कौन कौन होते हैं, तो आपको पता है सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाई, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, अगर आपको कोई भी वर्ड के फॉर्मेट में आप सब फाइल को सेव करते हैं तो आप क्या ऑफिस में एक्सटेंशन यूज करते हैं, 2003 में फ्रेंड्स हम डॉक यूज करते हैं, और 2000 अगर हम 7 की बात की जाए तो हम क्या यूज करते हैं, DOCX, ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी याद रखनी है कि फाइल के एक्सटेंशन क्या क्या हो सकते हैं। इमेज को स्टोर करना है तो आप PNG स्टोरेज कर सकते हैं, .jpg होता है, ठीक है, ये सारे एक्सटेंशन होते हैं। और कमांड क्या होती है, कमांड लाइन क्या होती है, जब आप कोई भी कमांड देते हैं, CMD आप लिखते हैं रन कमांड में जाकर, तो कमांड ओपन हो जाती है, ये सारी चीजें आपको जरूरी समझनी है। एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीन ऑफ फायरवॉल्स एंड सिक्योरिटी, फायरवॉल क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट, उसको प्रिवेंट करता है बेसिकली फायरवॉल्स। और सिक्योरिटी किस किस टाइप की होती है, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है, ये सारी चीजें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एंटीवायरस क्या होते हैं, ये सारी चीजें बेसिकली आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके, सो दिस इज द वेरी प्रिसाइज एंड 100% कवर द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये 100% सिलेबस जो है वो कंप्यूटर का कवर करता है यहाँ पर। फाइन फ्रेंड्स, इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन यू जस्ट नीड टू फॉलो ओनली दीज बेसिक टॉपिक, फाइन, प्लस सम मिसेलियस टॉपिक्स आर ऑल्सो देयर, बट यू कैन, यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दोज टॉपिक्स। ओके, सो दीज आर द कोर टॉपिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वी हैव ऑलरेडी मेड अप्रॉक्स 15 वीडियोज ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, गो टू आवर प्लेलिस्ट सेक्शन एंड वॉच ऑल ऑफ देम। डेटा इंटरप्रिटेशन पर क्लर्क और PO लेवल की हमने स्टार्टअप वीडियोज अभी लॉन्च की है, 15 वीडियोस अप्रोक्स बना चुके हैं वहां पर। अप्रोक्सीमेशन फ्रेंड्स, क्लर्क के एग्जाम्स की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आने बहुत जरूरी हैं। यहां पर आप बोर्ड मॉस रूल आपने पढ़ा है, उस पर आपकी अच्छी कमांड है, कैलकुलेशन स्टेप अच्छे हैं, तो आप आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर मैंने टोटल 5 वीडियोस बनाई हैं अभी तक, और उन 5 वीडियोस को आप देख के अच्छी खासी नॉलेज ले सकते हैं और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व जरूर होंगे। फ्रेंड्स, इन द नंबर सीरीज, नंबर सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी एग्जामिनेशन, नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर सीरीज में आपको क्या करना है, हमने यहां पर 2 कोर वीडियोज बनाई है, क्या है, 2 कोर वीडियोज, तो ये 2 कोर वीडियोज में क्या है, कॉन्सेप्ट है और एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो यहां से आप देखकर ये जज कर सकते हैं कि आपको कौन सी नंबर सीरीज को किस तरीके से सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व द नंबर सीरीज विद द हेल्प ऑफ दीज 2 वीडियोस, फाइन, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट इन द नंबर सीरीज वीडियो,
फाइन। डेटा सफिशियंसी, डेटा सफिशियंसी, वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द डेटा सफिशियंसी। फ्रेंड्स, डेटा सफिशियंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई? बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सॉल्व द डेटा सफिशियंसी क्वेश्चंस। डेटा सफिशियंसी अगर आपको सॉल्व करनी है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, फाइन, मेंसुरेशन। दीज आर द बेसिक टॉपिक टू सॉल्व द डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी के ऊपर हमने एक वीडियोज बनाई है और उसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताई है कि आपको कैसे अप्रोच करना है डेटा सफिशियंसी के लिए। प्रोबेबिलिटी के ऊपर टोटल हम 8 वीडियो बना चुके हैं, कॉम्बिनेशन, परमोटेशन, प्रोबेबिलिटी, इनके ऊपर टोटल हमारी 8 से 10 वीडियोज हैं, तो आप इन वीडियोज को देखें। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारी 3 वीडियोज हैं। फ्रेंड्स, वी हैव मेड 3 वीडियोज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8 वीडियोज ऑन प्रोबेबिलिटी, 1 वीडियो ऑन डेटा सफिशियंसी एंड 2 वीडियोज ऑन नंबर सीरीज एंड द अरिथमेटिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक इन दिस वे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एज वेल एज टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। फाइन, दीज आर द बेसिकली कोर टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले टाइम देना है डेटा इंटरप्रिटेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू सॉल्व द डेटा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स, एंड आफ्टर दैट अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स, एंड आफ्टर दैट नंबर सीरीज, देन प्रोबेबिलिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं देन यू कैन सिक्योर द कट ऑफ सेक्शन, आप कट ऑफ आसानी से क्रॉस कर लेंगे। फाइन, तो ये टॉपिक्स के ऊपर आपको कमांड देनी है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर क्वांट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जितनी कोशिश हो सके उन टॉपिक्स को कवर करिए। इंग्लिश की बात की जाए तो रीडिंग कंप्रेहेंशन आपको सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व द रीडिंग कंप्रेहेंशन इफ दिस इज स्टोरी बेस। अगर आपका रीडिंग कंप्रेहेंशन स्टोरी बेस्ड आया है तो आप इसको पढ़िए और सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपका इकोनॉमिक बेस्ड है तो अगर आप बहुत अच्छे हैं तभी इस रीडिंग कंप्रेहेंशन को करिए। इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट्स देन यू डोंट नीड टू रीड द एंटायर पैसेज, यू जस्ट स्किप एंड यू कैन सॉल्व द सिनोनिमस एज वेल एज एंटोनिमस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो वहां से आप सिनोनिमस और एंटोनिमस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका पैसेज इकोनॉमिक बेस्ड है तब। क्योंकि फ्रेंड्स, इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज को समझने के लिए आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो आपका बेसिक लॉजिक है, वो बहुत ज्यादा डेवलप होना जरूरी है। अगर आपने न्यूज़पेपर्स पे बहुत अच्छी कमांड है, आप बिजनेस स्टोरीज पढ़ सकते हैं, तभी आप इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज को पढ़िए। अगर स्टोरी बेस्ड है, जैसे कि कोई जंगल में गया, वहां पर उसको शेर मिल गया, ये हुआ वो हुआ, या रामू ने एक दुकान खोली, उसकी दुकान नहीं चली, वो गांव में रहता था, परेशान करता था, इस तरीके से अगर एक जनरल स्टोरीज हैं तो आप उनको पढ़ के बना सकते हैं, वो आसानी से हो जाएंगी। नहीं तो केवल आप सिनोनिमस और एंटोनिमस को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन फ्रेंड्स, नाउ पैराजंबल्स। पैराजंबल्स आप क्या करिए, 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद सबसे पहले यहां पर लिखिए 1 A B C D E F। ठीक है, पैराजंबल्स को सॉल्व करने के टाइम पे फ्रेंड्स जो आपको मिलता जाए उसको कट करते जाइए। जैसे आपको पहला स्टेटमेंट मिल गया तो आप ए काट दीजिएगा, दूसरा आपको ई मिल जाता है तो आप ई काट दीजिएगा, इस तरीके से आप ऑप्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, पैराजंबल्स के ऊपर मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियोस दूंगा कि आप पैराजंबल्स के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करें, हाउ यू कैन सॉल्व द क्विक पैराजंबल्स प्रॉब्लम्स विद इन टाइम। फाइन फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, यू जस्ट नीड टू रीड द एंटायर पैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या करना है, एंटायर पैसेज को पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, एक पैसेज दिया है, वहां पर एक ब्लैंक है, फिर पैसेज दूसरा ब्लैंक, फिर पैसेज तीसरा ब्लैंक, फिर पैसेज चौथा ब्लैंक, फिर पैसेज पांचवा ब्लैंक, इस तरीके से सेंटेंस के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ब्लैंक्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे पैसेज को पढ़ लेना है, ब्लैंक को स्किप करते जाइए, तो आपके दिमाग में एक थीम डेवलप हो जाएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द होल क्लॉज टेस्ट पैसेज, जस्ट स्किप द ऑप्शन हियर। दैट मीन्स फ्रेंड्स, यू कैन डेवलप अ थीम, इससे आपकी एक थीम डेवलप हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है और फिर वहां पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है उसको फिल करना है। ठीक है, अगर आप बेसिक वोकैब और ग्रामर में बहुत स्ट्रांग हैं
तो आप एरर स्पॉटिंग और करेक्शन के सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आपको क्या करना है, वोकैब और ग्रामर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फ्रेंड्स, एरर करेक्शन और एरर स्पॉटिंग के ऊपर हमने 6 वीडियोस बनाई हैं, हर एक में 10 क्वेश्चंस हैं, तो 60 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास में 60 रूल्स आपको याद हो जाएंगे। वी हैव मेड 6 वीडियोस ऑन एरर स्पॉटिंग। एवरी सेट कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, दैट मींस 60 क्वेश्चंस आर देयर इन द एरर स्पॉटिंग सेक्शन। दैट मींस फ्रेंड्स, यू हैव प्रिपेयर्ड 60 रूल्स टू सॉल्व द एरर करेक्शन। फाइन, इट विल रियली हेल्प अ लॉट ऑफ इन योर एग्जाम्स, ठीक है। ये भी प्लेलिस्ट सेक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में आपको थोड़ा सा टाइम देना है और बुक मार्क कर लेना है, जो भी आपके डेटा इंपॉर्टेंट आपको लगे अपनी बुक मार्क सेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक मार्क और प्लेलिस्ट एंड ऑल्सो सब फोल्डर्स ऑल्सो। तो जो प्लेलिस्ट के सेक्शन, प्लेलिस्ट के अंदर सब फोल्डर्स दिए हैं, उनको आप बुक मार्क कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर यूज में आएंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज अ वेरी डेप्थ टॉपिक। वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस जनरल अवेयरनेस टॉपिक। जनरल अवेयरनेस के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम इस वीडियोस का लिंक को पेस्ट कर देंगे। ओके, तो जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करना है किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, हाउ यू कैन प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस सेक्शन फॉर एनी एग्जाम्स, देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन सेक्शन। फाइन, नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर दैट, आफ्टर प्रिपेयरिंग दीज ऑल द टॉपिक्स, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स एट वंस, जस्ट पिक सम टॉपिक्स इन अ डे। एक दिन में आप थोड़ा थोड़ा सब में से पोर्शन कलेक्ट करके आप एक टॉपिक यहां पर तैयार कर सकते हैं। फाइन, बट फ्रेंड्स, वन थिंग मोर, ऑनलाइन टेस्ट आपको जरूर देने हैं। अगर आप 7 दिन आपके पास में है, यू हैव ओनली लास्ट 7 डेज आर देयर, दैट मीन्स यू नीड टू गिव ऑनलाइन टेस्ट, 1 टेस्ट पर डे। वॉट यू नीड टू डू बेसिकली, सी हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग फ्यू थिंग्स हेयर, दिस इज योर 1 डे, 2nd डे अप टू 7 डे। फाइन, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स गिव ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट डे अप टू ऑनलाइन टेस्ट, एनालाइज देम प्लस सॉल्व दोस क्वेश्चंस विच यू फील डिफिकल्टी। आपको क्या करना है, पहले दिन ऑनलाइन टेस्ट देना है, दूसरे दिन फिर ऑनलाइन टेस्ट देना है, 7 दिन तक आपको लगातार 7 मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद में आपको एनालाइज करना है और फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हुई थी। तो फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो फाइनली एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा स्कोर आसानी से ला सकते हैं। ओके, तो ऑनलाइन टेस्ट रेगुलर आपको देना है, 7 दिन कम से कम दीजिए एग्जाम से पहले, ये दैट विल बी द स्कोर बूस्टर स्ट्रेटजी फॉर यू। ये आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट करेगी। फाइन फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो वन थिंग मोर, प्रैक्टिस एंड सॉल्व पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स फॉर द IBPS PO, SBI PO as well as SBI PO exams papers, and practice will lead to giving you an idea about the types of questions and pattern of the examination. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न मालूम चलता है, टाइप्स क्वेश्चंस के टाइप मालूम चलते हैं, और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल मालूम चलता है। ओके, वन थिंग मोर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कैफ टीम। आई हैव मेड अ वेरी प्रिसाइज टाइम टेबल फॉर यू। एक मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दीज आर द एंटायर डे, दैट मीन्स 24 आवर्स, यू हैव ओनली 24 आवर्स इन अ डे। फाइन, एटलीस्ट यू हैव टू गिव अ हेल्थी स्लीप टू यू। एक आपके लिए 8 घंटे की स्लीप तो आपको देनी ही देनी है। ओके, इसके बाद आपके 16 घंटे बच जाते हैं। ओके, तो इन 16 आवर्स में आपको 2 घंटे क्वांट की देना है, 2 आवर्स फॉर क्वांट सेक्शन, 2 आवर फॉर रीजनिंग, 2 आवर फॉर रीजनिंग सेक्शन फ्रेंड्स, 2 आवर फॉर इंग्लिश। दिस कंसिस्ट ऑफ 6 आवर्स फ्रेंड्स, 1 आवर फॉर कंप्यूटर सेक्शन, 2 और
टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट एंड वन और एनालाइजेशन ऑफ टेस्ट, एनालिसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो देखिए 2, 2, 6, 6 to 8, 8 by 9, दीज आर द ओनली 9 hours, 9 hours स्टडी प्लान, ओनली 9 hours। ओके, तो आपको करना क्या है, 2 hours फॉर कॉन्टेंट सेक्शन, 2 hours फॉर रीजनिंग सेक्शन, 2 hours फॉर इंग्लिश सेक्शन, 1 hour फॉर कंप्यूटर सेक्शन, 2 hours पर डे टेस्ट, 1 hour एनालाइज द टेस्ट। फाइन, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू फॉलो फॉर अ डे। तो देखिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 150 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप बैंक एग्जाम्स आजकल विदाउट इंटरव्यू होने लगे हैं, तो जो भी क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं वो आपके विदाउट इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें कम से कम कट ऑफ जो है वो 150 तो आजकल स्कोर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप जब 160, 165, 150 प्लस स्कोर लाते हैं तभी आप सिक्योर वहां पर फील कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको फॉलो करना है, और टीम कैफ की तरफ से आपको बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। डू हार्ड, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन। फाइन, सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के द्वारा लाभ उठा सकें। और अगर आपके कोई डाउट है, कोई भी जनरल आपका व्यू है, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए और शेयर करिए। एक चीज फ्रेंड्स और, अगर आप के पास कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप दैट इज कैफ एकेडमी इन द फेसबुक। यू कैन ज्वाइन अ ग्रुप कैफ एकेडमी, सर्च कैफ एकेडमी इन द फेसबुक एंड ज्वाइन दिस ग्रुप। फाइन, एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन आवर स्टडी ग्रुप, दिस इज आवर स्टडी ग्रुप, अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट मेंबर आर देयर एंड दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वो आपकी हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन बताने में और आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देंगे। ओके, टिल नाउ फ्रेंड्स, इफ यू आर अ न्यू यूजर देन डू सब्सक्राइब, थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे आपका फीडबैक मालूम चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस।